देखो ये 2315 नंबर कोठी है, सी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू अमृतसर, 500 गज की कोठी है, बहुत ही पॉश एरिया है। सरदार कवलजीत सिंह जी ने ये प्लॉट 2019 रजिस्ट्री कराई सी और इन्हों के को सारा एक नंबर का मतलब हर कागज ओरिजिनल है और सारा काम इन्होंने जेन्युइनली कराया। एक दिन कोई माफिया वाला व्यक्ति आ रहा है कि देखो जी इस कोठी के उत्ते लोन सीगा ते असी बैंक दे वालों आए हैं ते इहदे उत्ते हुण असी कब्जा कर लेना है कोर्ट का ऑर्डर। देखो पंजाब दे विच लोकी अपने बच्चों बाहर भेजते हैं, कारण यही है कि देखो चंगा भला इन्होंने अपना एक नंबर का पैसा लगा के कोठी इन्होंने खरीदी और कोठी ते कोई आ के माफिया वाला बंदा आ जावे ते गैंगस्टर दे रहे धमकियां दिलवावे। असी तो राजेंद्र दहिया नूं आज ही पुकार रहे कि राजेंद्र दहिया जेकर तुसी हो इस दुनिया दे विच तां आओ इस कोठी ते कब्जा कर लो। उन्होंने ये नहीं पता है कि बंदा इतने कोई बैठा होया है, ठीक है। तो हुण असी खड़के जी सारे दे सामने देखो आमने सामने होवांगे, जो जो प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है वो प्रॉपर्टी भी वापस कराऊंगा है। और बैंक वाले ने भी मैं सावधान कर दूंगा कि जिन जिस जिस बैंक ने जेकर कोई माफिया रखा हुआ है, कोई गुंडे बदमाश रखे हुए हैं, उन्होंने खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी बैंक के मैनेजर से उन्होंने अफसर के खिलाफ जिन्होंने इस तरीके का रखा हुआ है। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚੋਲੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ। ਥ੍ਰੈਟ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਕਿਸਾਂ ਕੰਬਦਾ ਜੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। अमृतसर शहर विच लैंड ते लोन माफिया लगातार सरगर्म है ते जिथों तक गल पौश इलाके रंजीत एवेन्यू दी कीती जावे तां तुहानूं दिखा दिंदे आं कोठी नंबर 2315 सी ब्लॉक मार्केट दे बिल्कुल ऑपोजिट कोठी है, 500 गज दी कोठी है और करीब करीब जे वैल्यूएशन दी गल करिए तां 4.5 करोड़ तो 5 करोड़ रुपए की कोठी है, पर इस ते कब्जा करन दी कोशिश जिहड़ी कि ओह कीती जा रही है ते इस कब्जे दे खिलाफ MLA कुंवर विजय प्रताप सिंह सामने आए ने और उन्होंने वालों यही आख्या गया भी जिहड़ा भी इत्थे ये सारे लैंड माफिया ने जां ओ लोन माफिया ने ओ हुण कित्थे ने। तां एक वड्डे अधिकारी का नाम भी सामने आया सीगा, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का वड्डा अधिकारी है, बैंक का भी अधिकारी है, पर वह कितना कितने हुण गायब हो चुके ने। तो गलबात कर लैंदे आ MLA कुंवर विजय प्रताप सिंह नाल, पूरा मामला है की है। तो रंजीत एवेन्यू सी ब्लॉक में C2315 कोठी जिसनों हथियार की लगातार भू माफिया वालों कोशिश की गई सी, अज MLA कुंवर विजय प्रताप सिंह पत्रकारों के रूबरू होए ने, पूरा मामला है कि गलबात कर लेने। कुंवर जी पूरा मामला तेरे ध्यान कदों आता और मामला है कि पूरा? देखो ये 2315 नंबर कोठी है, सी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू अमृतसर, 500 गज की कोठी है, बहुत ही पॉश एरिया है। सरदार कवलजीत सिंह जी ने यह प्लॉट 2019 रजिस्ट्री कराई सी और इन्हां दे कोल सारा एक नंबर का मतलब हर कागज़ ओरिजिनल है और सारा काम इन्होंने जेन्युइनली कराया, जो प्रोसेस है वह हर प्रोसेस नूं अडोप्ट करके। मान लो एक दिन कोई माफिया वाला व्यक्ति आ रहा है कि देखो जी इस कोठी दे उत्ते लोन सीगा ते असी बैंक दे वल्लों आए हाँ ते इहदे उत्ते हुण असी कब्जा कर लेना है कोर्ट का ऑर्डर है। असी पता कराया कोर्ट का ऑर्डर की सीगा, ADC अमृतसर की अदालत जो है, तुहानू पता है कि ADC या FDM की अदालत भी लगती है, तो उन्होंने अदालत का एक ऑर्डर लेके आए 27/9/2022 का। हुण जो पता किया गया उत्थे जो डॉक्यूमेंट्स दिता गया सी कोटक महिंद्रा बैंक का दिता गया सी और ये देखो स्टैम्प पेपर वगैरह है सारा चीज़ है, ठीक है कि नहीं? आ देखो इतने बंदा राजेंद्र दहिया करके और राजेंद्र दहिया दा इत्थे देखो मतलब पूरा पार्टिकुलर्स भी नहीं है, यही एप्लीकेशन फाइल की गई सी ADC दी अदालत दे। ये बैंक की तरफ से थे राजेंद्र दहिया? ये बैंक, हाँ बैंक दी तरफों, लेकिन बैंक दे विच जदों असी पता करते हैं इस बंदे दा ना ही कुछ पता नहीं लगता है तो ये सारा कुछ फ्रॉड होया है। आज राजेंद्र दहिया नूं असी अप्रोच करते हैं कि जेकर तुहाडे नाते है तो तुसी आओ ले जाओ, लेकिन कोई राजेंद्र दहिया नहीं आ रहा है। ये जिहड़ा नोटरी पब्लिक दा अटेस्टेशन है ये भी फ्रॉड है,
असी बहुत मुश्किल दे नाल अप्रोच करके पता कराया कि यह किना दा है, तो दिल्ली दे विच ये निकले। ओ पी चौधरी नोटरी पब्लिक, असी उन्होंने पूछा कि यह तुहाड़ा है, वह कह रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने अपना मतलब एक नमूने का सिग्नेचर भी भेज दिता, नमूने का स्टैंप भी भेज दिता। अब हूँ देखो ये सारा जो सिस्टम होगा तो सिस्टम जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, यही है देखो, क्योंकि देखो करना पुलिस ने है, लेकिन काम असी कर लिया, काम असी कर लिया, ठीक है कि नहीं, पर होए नहीं होए। ओरिजिनल ए चीज है, देखो 468 नंबर सेम है, है। लेकिन एदे उते इस तरीके दा है, ए सिग्नेचर भी असी लभ लिया कि किस बंदे दा है। ए देखो स्टैंप भी है, उस दिन दा स्टैंप है जिस दिन कागज वाला स्टैंप बंद हो गया सी और ई स्टैंप उस दिन तो शुरू हो रहा सी। तो बल्क दे विच उस बंदे ने जो माफिया है बल्क दे विच पंजाह रुपए का कई बैंकों के नाते उस बंदे ने स्टैंप खरीदा। माफिया का कोई चेहरा कोई नाम तो होगा, चेहरा बहुत जल्दी असी बेनकाब करेंगे। और मैं यही बेनती करा कि डीसी साहब आप करेंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन डीसी साहब ने उन्होंने नोटिस दे विच सारी गल आ चुकी है, ये सारा फाइल उन्होंने दिखाया जा चुकिया है। जेकर वो कहेंगे फॉर्मल तरीके दे नाल कंप्लेंट भी कवलजीत सिंह जी उन्होंने दे देंगे। लेकिन जो देखो पंजाब दे विच लोकी अपने बच्चों नू बाहर भेजते हैं, कारण यही है कि देखो चंगा भला इन्होंने अपना एक नंबर का पैसा लगा के कोठी इन्होंने खरीदी, और कोठी ते कोई आके माफिया वाला बंदा आ जावे ते गैंगस्टर दे राही धमकियां दिलवावे, मान लो 5 करोड़ पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल एडीसी दी अदालत विच तुसीं कह रहे हो भी उत्थे पटिशनर गया है, उस तो बाद इन्हां नूं नोटिस कोई नहीं आया कमलजीत नूं? नहीं, इन्हां नूं कोई नोटिस नहीं। ये भी देखो एक है कि देखो जदों पता है कि 2315 नंबर सी ब्लॉक ते एक नोटिस तो देना चाहिए सी, एक अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए सी ना, तो वो भी उन्होंने नहीं दिता। वो चलो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, वो डीसी साहब आप देखेंगे कि जो कोताही एडीसी साहब ने की है कि उन्होंने मतलब जानबूझ के की है कि एक काम एडीसी का काम सीगा, जिहड़े तुसीं कहा भी नोटरी भी पब्लिक जिहड़ा कि नकली सीगा, जिहड़ा कि पटिशनर है जिहड़ा तुसीं नाम दस रहे हो दहिए दा, वो भी नकली है, एडीसी ने क्यों नहीं तफ्तीश की? असीं कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हाँ, वो कई बार हुंदा है कि जानबूझ के अफसर करते हैं, कई बार हुंदा है कि अनजाने दे विच करते हैं, तो सरकार मामले में जानबूझ के या अनजाने च कीता? डीसी साहब ने देखना है तो सरकार ने देखना है जी, असीं कोई इल्जाम अज की तारीख दे विच नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जेकर तुसीं देखोगे कि सारा ही फ्रॉड है तो मतलब मैं नहीं ये समझदा हाँ कि हाँ ये अनजाने दे विच होया है, लेकिन फिर भी असीं ये डीसी साहब वेखणगे, ये सारा कुछ सरकार देखूगी कि उन्हों का कंडक्ट की रहा है, बोनाफाइड है मेलाफाइड है, ये सारा उन्होंने देखना है। असीं सिर्फ देखो आज की तारीख दे विच इस कोठी नू बचाउन दे विच कामयाब हो चुके, वो भी तां सर, वो भी तां जे कमल जी तुहानू जानदे ने तां करके शायद जे तुसीं उहनां दे जानकार हो, जे ना कर कई इहो जिहियां प्रॉपर्टी होणगी अज वी अमृतसर विच जिहड़ियां कि खुंझ गईआं लोकां कोल। देखो जानदे किस तरीके दे नाल ने, इलैक्शन दे दौरान मैं वोट मंगदे मंगदे इहनां दे कोल भी आया, इन्होंने भी मेरी मदद की, मेरे नाल गल की, फिर मेरे वास्ते इन्होंने कैंपेनिंग की। तो सारे अमृतसर नू जिस तरह तुसीं, मैं की बोलदा सी कि मेरा इलैक्शन जो है अमृतसर दे लोग आप लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उदे विच ए भी शामिल ने, ये भी शामिल ने जिन्होंने लड़ झगड़ के, तो मान लो मैनू इन्होंने MLA बनाया तो कुछ सोच करके बनाया होगा, आम आदमी पार्टी नू इन्होंने आगे लिया तो कुछ सोच समझ के। अमृतसर विच होर भी प्रॉपर्टियां ऐसी हैगियां सर, इत्थे बहुत सारे लोग खड़े ने, असी 2-4 लोगों नू बुला लिया जो जिन्होंने अप्रोच किया सी सानू, तो इस तरीके का हफ्ते दे विच घट्टो घट 2-3 प्रॉपर्टियां ते कब्जा हो रहा है जी। और देखो ये राजनीतिक सहूलत है, ये प्रशासन का, ये पुलिस का किसी न किसी लैवल से किसी न किसी व्यक्ति का इनवॉल्वमेंट होंगे। पंजाब अंदर तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, देखो आम आदमी पार्टी की सरकार है ता ही तो ट्रांसपेरेंसी आई है, बंदे फड़े जा रहे हैं। जेकर मान लो इन्होंने मैनू MLA बना दिता, आम आदमी पार्टी की सरकार लैंदी, ता ही तो सारा कुछ सामने आ रहा है। सरकार ही कब्जा करने की कोशिश तो की गई ना, तुम दस रहे जिवें, तो सिस्टम पहला तो चल रहा है, सिस्टम पहला तो चल रहा है, तो सरकार दे विच ही देखो ये सारा कुछ पकड़ दे विच भी आ गया ना जी। तो इस करके देखो असी इस तरीके का कोई भी गलत काम नहीं होण देना है, समझे कि नहीं, अमृतसर दे विच कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म का गलत काम कर रहा है, एक भी खासकर व्यापारी वर्ग को दबाने की कोशिश की जाती है जी, लेकिन असी हर व्यापारी दे नाल खड़े हैं जी कि कोई भी व्यक्ति आके तुहानू किसी किस्म का दबाव पाउंदा है, जां तंग परेशान करता है, जां माफिया का गैंगस्टर का डर विखाउंदा है, तुसी सानू अप्रोच करो। तुसी MLA बना दिता, मैनू बना दिता MLA, तुहाडा काम हो गया, हुण मेरा फर्ज है जी,
मैं अपनी ड्यूटी निभावांगा। इस करके मैं 24 घंटे लोगों के सामने, देखो मैं 3 बजे करे गया हाँ जी, मैं देखो हमेशा मेरी नींद पूरी नहीं होंगी है, 3-4 घंटे तो बद मैं नहीं सोंदा हूँ, लोगों के नाल लोगों के विच रह के काम करना है। बतौर आई जी थर थर कंबदे सीगे, तड़को लोग गैंगस्टर सीगे, भावें कोई भी सीगा क्राइम करता सीगा, बतौर MLA कंबन गए, तुसी नाम क्यों नहीं दसदे? मेरी गल तो सुनो, ये काम DC साहब का है, जेकर ये नाम DC साहब अपने वालों दसनगे ना तो सानू खुशी होगी, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने, डबल पावर है उन्होंने कोल, नाम तो मेरे कोल है। सर तड़को ही ज़्यादा है, देखो देखो आ देखो मैं बोलता हाँ, असैम्बली के बोलता हाँ कि नहीं बोलता हाँ, इतने भी बोल रहे हैं, ये कागज़ भी तुहानू दे रहे हैं, कागज़ ले जाओ अपने कोल रखो, क्योंकि ये तो ओपन कागज़ है जी, RTI दे विच भी है, हर तरीके दे नाल असी जो कागज़ बोल रहा है ना जी, मैं नहीं बोल रहा, ये कागज़ बोल रहा है जी, असी तो राजेंद्र दहिया नू आज ही पुकार रहे हैं कि राजेंद्र दहिया जेकर तुसी हो इस दुनिया दे विच तो आओ, इस कोठी ते कब्जा कर लो है। लेकिन तुसी देखो इस तरीके का जेकर काम होगा, वह भी अमृतसर दे विच, पंजाब स्टेट होवे, अमृतसर शहर होवे, तो देखो शर्म आउंदी है जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता है कि बंदा इतने कोई बैठा होया है जी, ठीक है। तो हुण असी खड़के जी सारे दे सामने, देखो आमने सामने होवांगे इन्हों, देखो जो जो प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है वो प्रॉपर्टी भी वापस कराना है, और बैंक वालों भी मैं सावधान करता हाँ कि जिस बैंक ने जेकर कोई माफिया रखा होया है, कोई गुंडे बदमाश रखे हुए हैं, उन्होंने खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, बैंक के मैनेजर तो उन्होंने अफसर के खिलाफ जिन्होंने इस तरीके का रखा होया है जी। उन्होंने कह रहे थे कि इतने गैंगस्टर आए थे कब्जा लेने वास्ते, डराया धमकाया भी गया कमलजीत, इस बारे भी कोई गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करनी जा रही है? देखो 2 FIR हो चुके हैं, एक विजिलेंस का FIR हो गया है, एक होर पुलिस का FIR होया है, हुण ये जिहड़ा नेक्सस सामने आया है ना जी, इहदा भी FIR हुण ये DC साहब कराउणगे, इन्हां ने कल मिलना है DC साहब नूं, और देखो किस तरीके दे नाल हुंदा है। इत्थे तो बहुत सारे इस तरह के कंप्लेनेंट आए हुए हैं, और तुहानूं कई व्यक्तियों नूं देख के तुहानूं रोना आएगा कि एक दिन ये अरबपति हुंदे सी, आज शाम वास्ते रोटी भी नहीं है इन्हों के कोल। सिर्फ कुंवर विजय प्रताप सिंह उम्मीद की किरण बने ने, जो लोगों के इस हिसाब ने प्रॉपर्टी जी खुंझ गई ने। मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा जी, मैं इन्होंने MLA बनाया है, मैं अपना एक जनता के नुमाइंदे का फर्ज अदा कर रहा जी। तो बिल्कुल जी, फर्ज अदा जरा कि कर रहे हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, जेडे कि जो बतौर IG सन तो गैंगस्टर जे कि उन्होंने को थर थर कंबदे सीगे, तो हुण लोगों ने MLA बनाया विधानसभा हलका अमृतसर नॉर्थ का, तो उस बाद एक वड्डा खुलासा कर रहे हैं और आख रहे ने, सीधा चैलेंज कर रहे हैं, जेकर कोई भी अजिही हरकत करता है तो उन्होंने खिलाफ गुंडा एक्ट तहत कार्रवाई की जाएगी। कमलजीत सिंह मौजूद ने, कमलजीत जी की कहोगे जो सारा प्रोग्राम इतने होया 2019 तुम कोठी खरीदते हो, उस तो बाद होया की है? सर मैनू तो 4 महीने हो गए जी, मैं मजीठ मंडी दुकान है मेरी, मैं बंद करके लड़ाई लड़ रहा, मेरे वर्गे बड़े ही बंदे जेड़े आ ना, जो मेरे को बैंक वाले पहले दिन आए थे ना, जांदी वारी मैनू यह कह के गए ही, कहिंदे तुइयों बंदा हैगा जिहड़ा लड़ रहा, नहीं तो अही इहो जे कई बंदे चोले कई को पैसे कढ़ा ले तो तू साडे नाल लड़ रहा पर तू यह भुगतेगा। मैं कहा कोई गल नहीं, जो वक्त आएगा अंजाम होएगा मैं वही भुगत लाँगा, पर पैसा मैं तुहानू नहीं देना भावें जो मर्जी कर लो, क्योंकि अही आम पार्टी लियांदी ऐसे करके है, कुंवर साहब नू जिताया ऐसे करके है कि जिहड़े आम लोग पैसे खोई जांदे ही दुनिया, पहले जिस तरह पहली सरकार आउंदी पैसे खोंदिया ही लोगों को, असी हुण पैसा नहीं खवाना भावें बर्बाद होया हो जाए, पैसा नहीं खवाना, सच्चे होंदे आया भी असी पैसे देईए तो फिर थ्रेट आउंदा जान तो मारन दी धमकियां मिलदियां ने, तो उस तो बाद दिल किस तरह कंबदा दिल? सर जिहड़े बंदे धमकियां देंदे पए ना, धमकियां तो देंदे आ, मूँह नाल धमकियां देंदे ना दई जान, जे इस तरह मूँह नाल धमकियां जिहड़ियां जे तुसीं बर्दाश्त कर लोगे तो फिर तो नहीं, तो फिर तुम आप हर बंदा अपने बच्चे बाहर भेजता पाया ऐसे गल्लां तो ही, यह तो हुण वक्त हैगा कि सानू वो बंदे चाहिए है कि जेड़े साढ़े वास्ते सानू इत्थे रहन वास्ते, भगवंत मान जी भी कहिंदे आ कोई वक्त आएगा कि मैं अपने अंग्रेज तुहाडे पंजाब जाण के काम करनगे, वो वक्त आएगा वेखो हुण, पर तुसीं सतंभ हो मीडिया ਉਹ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜੇ MLA ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਔਰ
कई चीज़ा सरकार होंदिया मेरे हिसाब से मैं तो कोई जानता नहीं इन्नी पोलिटिक्स मैं पता नहीं है तो बाकी मैं ए जे महकमे सारे मैं वेख ले जी पंजा महीनों के जेडे मैं कभी वेखे नहीं अपनी जिंदगी च पर मैं वह सीख्या भी पूरा बी है की हो रहा आम पर यह है कि रब भी सुनेगा मैं तुम्हें क्या दो जोत है कि बाबा शहीदा तो एक काली माता शीतला मंदिर दोवें जोतों से अरदास करो कि दुष्टा का नाश हो साढ़े पंजाब चो हिंदुस्तान चो अमृतसरों और होने वाला होएगा हो जाना सर गल नहीं समझते नाम उजागर मैं तो करदा पर मैं कहना कि डीसी साहब खुद कर देंगे तो फिर वो बहुत वड्डी गल होएगी अपनी तली जान लगे चलिया जान का अपनी का कोई डर नहीं मैं वाइट नाम भी कोई खुलासा क्या जी कल हो जाए ना आइए सिस्टम के हिसाब चलना चाहते हैं देखो दो तीन सब तो पहला देखो जब रिश्वतखोरी की कोशिश की गई तो विजिलेंस ब्यूरो ने अप्रोच किया चाहते ने असं भी चाहते हैं कि सिस्टम के हिसाब चलिया जाए सिस्टम तो सारा बिगड़िया हुआ सिस्टम किस तरह चले जाएगा तो उन्होंने साफ कर रहे हैं जी साफ सफाई दा अभियान ये भी साफ सफाई का ही अभियान है आज तुहाड़े नाल जो मीटिंग की गई ये भी वो साफ सफाई का ही मतलब एक उमर विजय प्रताप सिंह कैपेबल सन कैबिनेट में कोई कहना कहते मंत्री बनाया जाता है कि हर सरकार ने हजे तक मंत्री नहीं बनाया देखो MLA बहुत वड्डा ओहदा हुंदा है बहुत वड्डा ओहदा हुंदा है तो देखो आज जेकर एक कोठी बच गई है एक MLA करके ही बच गई ना जी क्यों नहीं तो इन्होंने डर के कोठी दे देनी सी जी माफिया MLA का ओहदा बहुत वड्डा हुंदा है देखो मतलब 2 लाख वोटर हुंदे ने और पॉपुलेशन तुसी देखो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का 5 दे नाल गुणा कर लो तुसी ठीक है ना 10 लाख मतलब वो पॉपुलेशन हुंदी है तो देखो जो ओहदा है ना जी उस ओहदे दे अनुरूप भी काम असी करांगे तो लोगों का बहुत काम कर सकते हैं और असी देखो सवेर तो लैके शाम तक लोगों के नाल हुंदे हैं उन्हां दी समस्या सुनना उहदा समाधान करना और हर तरीके नाल बाकी बाकी काम देखो पार्टी का हुंदा है बड़ा वड्डा चेहरा रहे हो इलेक्शन च बड़ा वड्डा चेहरा रहे हो कुंवर विजय प्रताप सिंह और काफ़ी सारी सीटां जिहड़ियां ने कुंवर विजय प्रताप सिंह के नाम तो ही जितियां ने पार्टी ने देखो जदों तो मैं नौकरी छड्डी सी उदों तो लगातार तुसी जां तुहाडा चैनल मेरा इंटरव्यू करदा आ रहा है आज का जिहड़ा जो ये प्रेस ब्रीफिंग का मौका सी ना ये पॉलिटिकल नहीं है इस मुद्दे उत्ते दोबारा मेरा कहना यह है भी पावर होर आ जाएगी तो होर तुसी पूरे पंजाब च लोगों की मदद कर सको एक कोई छोटा पावर है जी आज जो पावर है कोई छोटा थोड़े पावर है बहुत बड़ा पावर है ठीक है कि नहीं बहुत बड़ा पावर है और तुसी देखो ऐसी छोटा पावर नहीं कह रहा सर मैं कह रहा भी तुसी हुण एक हलके तक सीमित हो फिर सारे पंजाब तक सीमित नहीं है देखो मैं आप तुसी देख लेना हलके तक सीमित रहना देखो मान लो 2 लाख वोटर ने मेरे 2 लाख लोगों की सेवा करना कोई छोटी मोटी गल तो नहीं होंदी है नी जी छोटी मोटी गल नहीं होंदी है और इस तो अलावा भी देखो मैं मैनू तो तुसी हर शहर दे विच तकरीबन देखते हो कि जिथे भी बरगाड़ी देख लो बहबल कलां देख लो पठानकोट देख लो जलंधर देख लो मैं तो हर पासे हुंदा हाँ जिथे और मेरे दफ्तर दे विच आके देखो तुहानू मिनी पंजाब दिखाई दे देगा उत्थे जदों मर्जी आके देखो सवेरे 8-9 बजे मिनी पंजाब तुहानू दिखाई देगा इस करके तो ऐसी नौकरी छड्डी है ना जी अमृतसर के लोगों की सेवा वास्ते पंजाब के लोगों की सेवा वास्ते साढ़े को तो देखो रुतबा बहुत सीगा पावर लेके असी की करांगे पावर बहुत सीगा वो पावर असी छड़ दिता हुण जनता वालों दिता होया जिहड़ा पावर है ना ये देखो सिस्टम की सफाई करूगा जी बिल्कुल जी सिस्टम की सफाई करने की जी गल कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों जी आखी जा रही है क्योंकि MLA ने विधानसभा हलका अमृतसर नॉर्थ तो और अज एक वड्डा खुलासा किया क्योंकि ये जी कोठी तुम दिखा रहे हैं C-2315 जिदी की वैल्यूएशन घट्टो घट 5 करोड़ है और इस कोठी से भू माफिया ने कब्जा करने की जी की कोशिश की सी पर कुंवर विजय प्रताप सिंह हुण कमलजीत सिंह जिहड़े कि इस कोठी के मालिक ने उन्होंने हिमायत में अगे आए हैं और उन्होंने साफ साफ ललकार है भू माफिया भी आओ तो हुण इसका कब्जा जिहड़ा कि लै जाओ दूजे पासे उन्होंने आख्या भी इस मामले में DC कंप्लेन जी की गई और जिहड़ा सारा मामला वो जल्दी ही साफ हो जाएगा कि इस दे पिछे कौन कौन जिहड़े कि शामिल ने कैमरा परसन विपिन शर्मा ना सिकंदर परसरीचा दैनिक सवेरा TV अमृतसर